दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप शॉपी एप्लीकेशन पर अपनी प्रोफाइल एडिट कैसे कर सकते हो। या दोस्तों अगर आप भी शॉपिंग एप्लीकेशन पर अगर आप अपनी प्रोफाइल एडिट करना चाहते हो तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में शॉपी एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों आप शॉपी एप्लीकेशन ओपन करोगे इसके बाद आपके सामने इस एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे की ओर इस मी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको अकाउंट सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको माय प्रोफाइल पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर ऊपर की ओर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है परमिशन पर क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज की परमिशन को अलाउ कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आपको जो है बाहर आ जाना है। और गाइस यहाँ पर फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल की गैलरी में से किसी भी फोटो को आप जो है शॉपी एप्लीकेशन प्रोफाइल पर आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शॉपी एप्लीकेशन की प्रोफाइल पर फोटो सेट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है अपने अकाउंट का नेम चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यूज़र नेम पर क्लिक करने के बाद आप जो है एक बार अपने अकाउंट का यूज़र नेम भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों जेंडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जेंडर चेंज कर सकते हो। बर्थडे पर क्लिक करने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो और फ़ोन पर क्लिक करने के बाद आप अपने जो है मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर को एडिट कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों ईमेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हो और यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों चेंज पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको ऊपर की ओर टिक पर क्लिक करना और आपकी जो है प्रोफाइल एडिट हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप शॉपी एप्लीकेशन पर आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।